मेरा मानना है बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें वैधानिक तरीके से आने की भी छूट नहीं दी जा रही है, संतों को बंद कर दिया गया है, उसका भी पता नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन दुनिया के लोगों को भी अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने सर उन्होंने कहा है तीन बच्चे होने चाहिए, वरना पॉपुलेशन क्राइसिस होगी, जिस पर सदन ओवैसी कह रहे हैं कि 1500 रुपए देंगे, क्या आरएसएस बच्चे पालने के लिए? देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहे, सदन में जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का समय आता तो वो नहीं रहते। ये इतने बड़े संविधान विरोधी हैं, ये केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको एक बार भी जुबान नहीं खुलती है। फिलिस्तीनी पर तो जुबान खुल रही थी, फिलिस्तीनी पर हमला, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओबीसी की जुबान क्यों बंद, राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद, अखिलेश यादव टुकड़े टुकड़े सारे गैंग के लोगों की जुबान क्यों बंद है? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.